हमें यहाँ पे 5 लाइन बनाने हैं क्या, ताकि ये बेस जो है वो फर्म हो जाए। ये ऑलरेडी मैंने 1, 2, 3 लाइन कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसके बाद यहाँ पे हमें ये 2 नॉट के बीच एक नॉट बनानी है और एक 5 लाइन का बेस तैयार करना है, ताकि ये पर्स फर्म हो जाए, उसका जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो फर्म हो जाए। तो पूरे जो थ्रेड्स रहेंगे वैसे ही नॉट बनाने हैं, 5 लाइन बनाने हैं। ये जो पैटर्न है, ये पर्स के लिए जो मैंने सिलेक्ट किया है, वो पैटर्न बनाने के लिए हमें 2 ब्लैक, ये सारे येलो कलर के थ्रेड, और ये जो नॉट रहेगी वहाँ से सिर्फ 2 थ्रेड हमें लग रहे हैं, उससे एक पैटर्न बनता है। ये बहुत सिंपल पैटर्न है लेकिन बहुत खूबसूरत दिख रहा है, तो देखते हैं कैसे बनाना है। ब्लैक कलर के जो 2 थ्रेड है उसके ऊपर ये जो येलो कलर का नॉट है उससे हमें डबल हिच नॉट बनानी है, तो ये डबल हिच नॉट हम बनाएंगे ऐसे, 1, 2, 3 और 4। ये डबल हिच नॉट बन गई, और एक सेम ब्लैक कलर से ही और एक हमें नॉट बनानी है ऐसे यहाँ पे, और ये जो थ्रेड रहेगा ये दोनों थ्रेड के ऊपर ये जो नॉट है उससे डबल हिच नॉट यहाँ पे बनानी है। तो हमें ऐसे 2 लाइन और ऐसे 2 लाइन मिलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, ये ऐसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो ईच जो ब्लैक कलर का थ्रेड है नॉट है उससे हमें यहाँ पे 2 लाइन मिलेंगे और यहाँ पे 2 लाइन मिलेंगे। ऐसे फर्स्ट कंप्लीट करना है, एक जो लाइन है वो वैसे ही कंप्लीट करनी है, और उसके बाद हम आगे के स्टेप देखेंगे। अब हमने ये डबल हिच नॉट बना लिए हैं, अब ये जो 4 थ्रेड है उनसे हम कंटिन्यूस 3 स्क्वायर नॉट बनाएंगे। ये ऐसे, और ये जो 2 थ्रेड रहेंगे वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो ये ऐसे एक बीड की तरह एक डिज़ाइन आता है उसका, तो अब हम यहाँ पे एक स्क्वायर नॉट बनाएंगे। अब ये 2 हमारे जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम 4 स्क्वायर नॉट बनाएंगे, और ये एक स्क्वायर की तरह एक डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं, तो ये एक स्क्वायर नॉट यहाँ पे बनेगी। उसके बाद ये 2 थ्रेड और ये 2 थ्रेड एक स्क्वायर नॉट बनेगी।
ये से ये दो थ्रेड और ये दो थ्रेड। अब ये तो अब ये जो ब्लैक कलर के दो थ्रेड है उससे हम ये जो लाइन हमने बनाई थी वैसे ही लाइन यहाँ पे बनाई। ऐसे ये मैंने ऑलरेडी बनाया है। लास्ट में हमें एक ऐसे पैटर्न मिलता है ये ऐसे, और यहाँ पे फिर से सेम नॉट हम बनाएंगे, ये वाली यहाँ पे बनाएंगे। तो ये पैटर्न वैसे ही हमें कंप्लीट करना है, पूरा एक ही पैटर्न है। तो यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ये हम कंप्लीट कर देते हैं। ये फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकेंड लाइन हम यही जो नॉट है डबल हिच नॉट वही यूज़ करेंगे, लेकिन बीच में ये स्क्वायर नॉट नहीं बनाएंगे। थोड़ा सिंपल पैटर्न हम ट्राई करने वाले हैं। ये जो फोर नॉट है वो स्किप करके ऐसे रखने हैं, और ये जो थ्रेड है उनके ऊपर हमें सेम डबल हिच नॉट बनानी है।
यही पैटर्न मैंने कंप्लीट कर दिया है और मैंने ये कॉपी कर दिया है। 1 2 3 4 फोर लाइन मैं वैसे ही बनाऊंगी और उसके बाद मैं चेक करूंगी कि इफ़ रिक्वायर रहेगा तो मैं यहाँ पे और एक लाइन बनाऊंगी और नहीं तो यहाँ पे हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमें फर्स्ट कंप्लीट करना है। बहुत खूबसूरत दिख रही है पर्स। इवन थोड़े ये जो डबल हीच नॉट है वो आने चाहिए, इसलिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अच्छे से प्रैक्टिस किए तो यह पैटर्न अच्छे से दिख सकता है। तो फर्स्ट प्रैक्टिस कर देना और उसके बाद ये फाइनल पर्स आप बना सकते हैं। तो यही मुझे कॉपी करना है। सारे जो थ्रेड यहाँ पे रह गए हैं, कोई कोई जो स्क्वायर मैंने नहीं बनाया है वो मैं कंप्लीट कर दूंगी और उसके बाद हम देखते हैं ऐड करना है या ज्वाइन करना है। ये हम लास्ट पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, सिर्फ हमें ये फोर नॉट बनाने हैं। तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाली लाइन रह गई थी वो हम कंप्लीट कर देंगे। ऐसे सेम ये जो थ्रेड है वो यहाँ पे बनाएंगे और फिर से एक लाइन दो लाइन यहाँ पे बनाएंगे। जैसे ये बनाई थी वैसे ही यहाँ पे दो लाइन बनेंगे। तो फर्स्ट वो कंप्लीट कर, ये मैंने कंप्लीट कर लिया और उसके बाद मैंने सिर्फ थ्री नॉट बनाए हैं। मैं ये क्लोज नहीं करूँगी, यहाँ पे भी मैंने ये स्क्वायर नॉट बनाई है यहाँ पे। ये ब्लैक कलर का इसलिए नहीं दिख रहा, लेकिन ये एक स्क्वायर नॉट है। तो हमें एक लाइन चाहिए क्योंकि हमें ये क्लोज करनी है बैग अभी, इसलिए ये हो गया। यहाँ पे भी मैं वैसे ही बनाऊंगी और ये कंप्लीट कर दूंगी। पर्स हमें ऐसे इनसाइड आउट करनी है क्योंकि हम ये क्लोजिंग ये बैग का बना रहे हैं। कोई नॉट लूज रहेगी तो ये हमें टाइट फर्स्ट करके लेनी है। अब जो रहेगा हम क्या करेंगे, मैं देखना है ये मिडल जो साइड का जो ये रहेगा वो चेक करना है कौन से थ्रेड है। इक्वल बनाना है, यहाँ पे एक ब्लैक आएगा और यहाँ पे एक ब्लैक आएगा। तो ये तो फिक्स हो गया। अब यहाँ पे देखना है और यहाँ पे देखना है, ब्लैक येलो येलो ब्लैक। तो ये फोर नॉट हमने फिक्स कर दिए। अब ये फोर नॉट के बाद थ्री नॉट्स बनेंगे। यहाँ पे एक सिंपल स्क्वायर नॉट, थ्री अप टू
और ये वन। तो हमें ये ट्रायंगल मिल गया। अब क्या करना है, ये जो नॉट मीन्स ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे हम नॉट नहीं बनाएंगे, ये हम स्किप कर देंगे, और ये जो लाइन रहेगी वहाँ पे नॉट्स बनाएंगे। मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया है मैंने। फोर नॉट होने के बाद मैंने यहाँ पे थ्री नॉट बनाए, दो और उसके बाद एक। अब हम क्या करेंगे, साइड वाले भी जो लाइन थे वो एक नॉट स्किप करके मैंने यहाँ पे भी लाइन बना के लिए है। ये हमारी मेन लाइन है जहाँ पे फोर नॉट है, उसके बाद थ्री टू वन, और वैसे यहाँ पे ये मेन वाली जो लाइन है उसके बाद ये वन टू थ्री, यहाँ पे ऐसे मैंने बनाए हैं नॉट्स बना के लिए है। अब क्या करना है, ये क्लोज करना है, इसलिए फर्स्ट हम एक कंप्लीट स्क्वायर नॉट बनाएंगे। ऐसे, उसके बाद हाफ नॉट, ऐसे, उसके बाद चाहिए तो फुल नॉट बना सकते हैं, या जैसे ही डिस्टेंस रहेगा उसके ऊपर डिपेंड है हाफ नॉट बनाएंगे या फुल नॉट बनाएंगे। वैसे ही ये जो डिस्टेंस है, ये जो ट्रायंगल है, ये जो उसकी साइड है, वहाँ पे भी सेम ऐसे ही नॉट बनेंगे यहाँ तक। सारा सीक्वेंस हमने फॉलो कर लिया है, फर्स्ट ये साइड बनाया, उसके बाद ये ऐसे, और उसके बाद ये हम क्लोज करते जाएंगे, इसलिए बीच वाले नॉट बनाना हमने स्टार्ट किया है। अब क्या करना है, हम इंडिविजुअल एक एक नॉट बनाएंगे कंप्लीट वाली, नहीं तो हाफ नॉट बनाएंगे, और ये जो डिस्टेंस रहेगा ये हम कंप्लीट कर देंगे। जो ये ओपन स्पेस है वहाँ पे सारे नॉट्स आ जाएंगे और ये क्लोज हो जाएगा। ये जो हमने सीक्वेंस बनाया था वैसे ही यहाँ पे भी बनेगा, ताकि ये नज़दीक आ जाएगा और यहाँ पे भी ये क्लोज हो जाएगा। तो फर्स्ट हम ये जो थ्रेड हमने ये जो नॉट बनाए थे यहाँ पे, वो यहाँ पे बना के लेने हैं ऐसे, और बाद में ये कंटिन्यू यहाँ तक करेंगे। ऐसे ही करके लिया है, ऐसे ट्रायंगल जैसे पहले बनाया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्किप किया था फर्स्ट, और जो लाइन यहाँ तक बनती है मीन्स फोर लाइन रहेंगे, तो ये भी जो नॉट्स रहेंगे उसके साथ हमें फोर लाइन बनाने हैं। फाइव लाइन रहेंगे तो फाइव लाइन बनाने हैं, तो हमें प्रपोर्शन में एक ये आ जाता है, लाइंस मिल जाते हैं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, कॉमन में एक नॉट बनाई थी जो ये यहाँ पे है, और उसके बाद उसके ऊपर बोथ साइड से एक एक थ्रेड लेके ये नॉट बनाइए। फर्स्ट ये यहाँ से और ये यहाँ से, ऐसे दो मुझे लाइन मिली ताकि ये क्लोज हो गया अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से वो क्लोज कर दिए, जो ट्रायंगल है वहाँ पे एक नॉट बनाई और बोथ साइड से थ्रेड्स लेना स्टार्ट किए। तो
तो बोथ साइड से थ्रेड्स लेने से मुझे क्या हुआ, एक लाइन मिलती गई। साइमल्टेनियसली मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रायंगल बनाया था और बोथ साइड क्लोज कर दिए थे, और ये सारे जो थ्रेड हैं वो सिंगल लाइन पे मैंने ले लिए, तो ये क्लोज हो गया। अब हम ये पहले कट नहीं करेंगे, पहले चेक करेंगे कि ये पर्स प्रॉपरली क्लोज हुई या नहीं है। तो अब हम देख सकते हैं ये प्रॉपरली क्लोज हो गई है। ये यहाँ पे ऐसे क्लोज हो गई है, कोई भी मिसिंग थ्रेड नहीं है, तो ये तो परफेक्ट हो गई। उसके साथ बैलेंस भी चेक करना है, कहीं ये रॉन्ग तरीके से क्लोज नहीं हुई है ना, तो ये तो अच्छी तरह से क्लोज हो गई है। तो एक्सेस थ्रेड हम कट कर देंगे और अब बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए जो फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, वहाँ से हम बनाने वाले हैं, क्योंकि मुझे जो डिज़ाइन चाहिए वो फ्रंट साइड से चाहिए। सो हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा थ्रेड, कौन सा नॉट हम लेंगे। मैंने ये सिलेक्ट कर दिया है। इक्वल लेंथ में फर्स्ट ये एडजस्ट कर लेंगे। इक्वल लेंथ में आ गया, और उसके बाद दूसरा एक थ्रेड लेके वो भी इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देंगे। कट नहीं करना है, सिर्फ फोल्ड करना है। ऐसे हमें दो थ्रेड मिल गए। अब हम उसमें अच्छे से होल्ड करके एक सिंपल स्क्वायर नॉट बनाएंगे। तो ये हमें नॉट मिल गए। फर्स्ट हमें फोर स्क्वायर नॉट बनाने हैं। फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, और ये फोर नॉट हो गए। ये अंदर से हमने ज्वाइन किया था, तो आप देख सकते हैं हमें ये फोर नॉट मिल गए हैं। यहाँ पे अब हम ये बबल जो नॉट है, बेरी नॉट जिसको बोलते हैं, वो हम अब बनाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ा डिस्टेंस रखा है यहाँ पे, ये नॉट होने के बाद थोड़ा डिस्टेंस रख के मैंने एक कंप्लीट स्क्वायर नॉट बनाई है, ये ऐसे। और उसके बाद मैं फिर से फोर नॉट बनाऊंगी, मीन्स एक जो है तो ये तो हो ही गया है, ऐसे एक हो गया है, यहाँ पे डिस्टेंस रखा है। उसके बाद दो, ये थर्ड वाली है,
और ये फोर्थ वाली। फोर नॉट हमें मिल गए। अब जो ये दो थ्रेड बीच वाले जो थ्रेड है ऐसे, ये डिस्टेंस में मैं यहाँ पे डाल दूंगी। ये जो दो है, दो थ्रेड यहाँ पे, दो थ्रेड यहाँ पे, इसके बीच में मैं ये थ्रेड यूज करूंगी और उसके बाद ये जब मैं मूव करूंगी तो मुझे ये बेरी नॉट मिलती है जो बटन की तरह दिखती है। तो ये नॉट मुझे मिल गई। फिर से एक नॉट बनाएंगे, फोर नॉट है, स्क्वायर नॉट है, उसके बाद ये बेरी नॉट है। वैसे ही मैंने एक ऑलरेडी बेल्ट बना लिया है, उसमें मैंने वैसे ही कंटिन्यू किया था, फोर नॉट उसके बाद बेरी नॉट, उसके बाद एट स्क्वायर नॉट, बेरी नॉट, फिर से एट स्क्वायर नॉट, बेरी नॉट, एट स्क्वायर नॉट और ये बेरी नॉट। उसके बाद इफ रिक्वायर्ड देन हम ये ऐड कर सकते हैं, डिस्टेंस हमें इतना चाहिए तो हम ये क्लोज कर सकते हैं। ऐड करना रहेगा तो हमें थ्रेड का लेंथ बढ़ाना पड़ेगा ये, और उसके बाद हम ये पूरे नॉट्स बना सकते हैं। ये फोर नॉट हो गए, उसके बाद बेरी नॉट, ये एट नॉट मैंने बनाया है। उसके बाद मैं थोड़ा डिस्टेंस रख के फोर नॉट बनाऊंगी। डिस्टेंस इसलिए रखना है ताकि हम बेरी नॉट बना सकें। ये इतना डिस्टेंस हम रखेंगे और उसके बाद फोर स्क्वायर नॉट बनाएंगे। ये हमने फोर स्क्वायर नॉट बनाए। बेरी नॉट बनाने के लिए ये जो दो थ्रेड रहेंगे ये लेके हम यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस बनाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। ऐसे मूव हो जाता है और उसके बाद ये लॉक करने के लिए हम फिर से एक स्क्वायर नॉट बनाएंगे। ये ऐसे, अब हमें फिर से ये एट स्क्वायर नॉट यहाँ पे बनाने हैं। एट स्क्वायर नॉट हम बनाएंगे और उसके बाद फिर से ये बेरी नॉट बनाएंगे। तो वैसे ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ये जब हम बेल्ट बनाते हैं तो दो थ्रेड जो है उनकी लेंथ कम हो जाती है, तो हम इक्वल कर सकते हैं इन दो थ्रेड के साथ जो इससे लेंथ में बड़े हैं। यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे और इक्वल लेंथ में हम कट करेंगे तो हमें फोर जो थ्रेड है वो इक्वल लेंथ के मिलते हैं। तो हम ये वैसे टेक्निक यूज़ करके वेस्ट उससे कम हो जाता है और पूरा बेल्ट भी बन जाता है। ये बेल्ट कंप्लीट हो गया है और ये मैं बना रही हूँ। तो लेंथ हमें चेक करना है, जितनी लेंथ का हमें चाहिए उतना ही हम बेल्ट बनाएंगे और ज्वाइन कर देंगे। एक ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही बेरी नॉट हो जाती है जो लास्ट वाला पार्ट रहेगा वहाँ पे हमें फोर स्क्वायर नॉट बनाने हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में वैसे ही बनाया था। तो
तो वो इक्वल हो जाएगा, नहीं तो लेंथ में कम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इफ रिक्वायर्ड हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इतना कंप्लीट कर सकते हैं हम, ये फोर नॉट बनाएंगे और यहाँ पे जॉइन कर देंगे। क्या है तो ये फर्स्ट हम टर्न करेंगे बैक ऐसे, अच्छी तरह से ये बैग हमने टर्न करके लिया है। अब देखना है कि ये ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे रख के हम ये जॉइन कर देंगे यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें पीछे ये थ्रेड मिल गए फोर, और ये ऐसे बेल्ट लग गए। यहाँ पे देखना है ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये रॉन्ग आ जाएगा। और यहाँ पे हम स्क्वायर नॉट बनाएंगे, वो क्लोज करते हैं। ऐसे ही दूसरा थ्रेड बनाना है। वैसे दूसरा बेल्ट भी जॉइन करना है, ये हमने यहाँ पे स्टिक कर देना है, और ये फिर से वैसे ही जॉइन कर देंगे ऐसे, अच्छे से देख के यहाँ पे जॉइन कर देंगे। सिर्फ हमें ये दोनों बेल्ट के डिज़ाइन सेम चाहिए, फर्स्ट फोर स्क्वायर नॉट, बेरी नॉट एट स्क्वायर नॉट, बेरी नॉट एट, बेरी नॉट एट, बेरी नॉट एट, बेरी नॉट और फोर स्क्वायर नॉट, और ये यहाँ पे हम जॉइन कर देंगे। ऐसे बोथ बेल्ट के ये सेम चाहिए। तो ये तो कंप्लीट हो गया, ये भी वैसे ही कंप्लीट करेंगे, और अब हमारी बैग कंप्लीट हो गई।